हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्लव्स ये रहे भाई, ये रहे ग्लव्स। पहले ही ऑलरेडी मैं बहुत पहन के घूम चुका हूँ, तो हमेशा से ग्लव्स में भूल जाता हूँ। तो आज ये तो अभी पहले इसलिए क्योंकि छुट्टी में आ चुके हैं, तो थोड़े हाथ काले भी होने चाहिए। तो ज़रूरी सूचना ये है कि जैसे कि पुरानी वीडियो में बना चुका हूँ रेव मैचिंग के ऊपर, तो गाइस मैं रेव मैचिंग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ करने की, तो मेरे से ना हुई नहीं है। होने में प्रॉब्लम क्या है, मैं कर तो लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कर भी ली और मैं सक्सेसफुल भी हो चुका हूँ। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है, रेव मैचिंग करने के लिए आपके पास ट्रिपल क्लच वाली गाड़ी होना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। और ट्रिपल क्लच वाली गाड़ी हमारे पास आर एस 200 सुपर क्लच वाली नहीं है। तो हर बंदे के पास ट्रिपल क्लच वाली गाड़ी नहीं होती है, और वो कोई भी एक फर्जी वीडियो देख के रेव मैचिंग करने की कोशिश करेगा, तो भाई मैं बता दूँ, इंजन डैमेज होने के चांसेस 99.9% इंजन डैमेज होने के चांसेस हैं। वो कैसे हैं, एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको, एग्जांपल दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ से गाड़ी पुल आउट पुल कर ली, ज़्यादा है। मतलब एक रेव मैचिंग के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में, प्रो बनने के चक्कर में, प्रो टू ज़ीरो और इंजन डैमेज, तो सीधी सीधी सी बात है, प्रो टू ज़ीरो हो जाएगा और इंजन जो हो जाएगा डैमेज हो जाएगा। तो रेव मैचिंग से बेटर है अगर बाई चांस सामने भी गाड़ी जाती है, सामने भी गाड़ी जाती है, मैं इंजन ब्रेकिंग कर लूँ वो ज़्यादा बेटर है, ना कि रेव मैचिंग करूँ वो भी विदाउट गाड़ी में। क्या होता है आपके पास एडवांटेज आपको मिल जाता है कि आप आराम से गियर चेंज करेंगे, लेकिन विदाउट ये सब हो गई तो इनमें क्या है, इंजन बहुत ज़्यादा लोड लेता है, बोलना चाहता हूँ तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप इंजन ब्रेकिंग तो ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा, वो सॉरी रेव मैचिंग ना ही करो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो आपके इंजन की ना अच्छे से वाट लगा देगा। और मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर्स में से किसी का भी वो वीडियो देख के किसी का भी नुकसान हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार ही होता है, ऐसा हो जाता है कि अभी हो जाता है। वीडियो को निपटाइन करते हैं, बहुत ही रॉ एंड सिंपल वीडियो थी जो कि मैं आपको समझाना चाहता था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या गलतियाँ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, क्या आपके लिए हार्मफुल है और क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है। तो बस इसीलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।